में वो अपने वेतन के 12% परसेंट बारह मल्टीप्लाई बाय 12 का अंशदान निकाल सकता है तीसरा है इन केस ऑफ इलनेस बीमारी के समय वो अपनी वेतन का सिक्स टाइम्स इस अंश से निकाल सकता है अगली कैटेगरी है एजुकेशन एवं मैरिज एजुकेशन और मैरिज के लिए प्रस्क्राइब्ड मिनिमम सदस्यता है सात साल कम से कम सात साल की सर्विस होना अनिवार्य है ऐसी स्थिति में वो इस फंड का अपने खाली एम्प्लॉय पार्ट का फिफ्टी परसेंट निकाल सकता है अगली कैटेगरी है वन ईयर बिफोर रिटायरमेंट एम्प्लॉय अपनी रिटायरमेंट से एक साल पहले अपने और एम्प्लॉयर एम्प्लॉय एवं एम्प्लॉयर दोनों पोर्शन का लगभग 90 परसेंट पार्ट निकाल सकता है अगली है पेंडेमिक एवं कोविड कोविड एवं पैंडेमिक की स्थिति में इम्प्लॉ अपनी थ्री मंथ की बेसिक एवं 75 फाइव परसेंट ऑफिस एंड एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन निकाल सकता है जैसा कि अभी पहले बताया था कि इम्प्लाई कंट्रीब्यूशन और इम्प्लाई कंट्रीब्यूशन पे जो इंटरेस्ट मिलता है वो इम्प्लाई विदाउट पे एनी टैक्स अपने साथ ले जा सकता है लेकिन फाइनेंस एक्ट 2021 में एक अमेंडमेंट आया जिसके अकॉर्डिंग एम्प्लाई द्वारा ढाई लाख से ऊपर किए गए किसी भी अंशदान को एम्प्लॉ द्वारा ढाई लाख से ऊपर किए गए अंशदान के ऊपर अर्जित इंटरेस्ट को टैक्सेबल कर दिया गया सेक्शन टेन ट्वेल्व ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 प्रोवाइड्स वन इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्मुलेटेड बैलेंस ड्यू एंड बिकमिंग पेबल टू एन एम्प्लॉई पार्टिसिपेटिंग इन अ रिक्नाइज प्रोविडेंट फंड बाय वर्च्यू ऑफ दिस सेक्शन इंटरेस्ट अमाउंट अर्न इन देयर अकाउंट बाय मेंबर वाज फुली एग्जैम्प द फाइनेंस एक्ट ट्वेंटी ट्वेंटी वन हैज अमेंडेड द प्रोविजन ऑफ सेक्शन टेन ट्वेल्व ऑफ द एक्ट

सबक्रिप्शन एंड कंट्रीब्यूशन लेकिन इस अमेंडमेंट आने के बाद एम्प्लॉयी सबक्रिप्शन का दो पार्ट हो गए टैक्सेबल एवं नॉन टैक्सेबल एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन जैसे ही किसी पर्टिकुलर ईयर में ढाई ला लाख से ऊपर फ्लो होता है तो वो कंट्रीब्यूशन उसके टैक्सीबल पार्ट में फ्लो होने लगता है और जैसे ही ये कंप्लीट होता है ईयर तो जो इसके ऊपर इंटरेस्ट होता है टैक्सीबल पार्ट के ऊपर वो टैक्सीबल हो जाता है जिसे एम्प्लाई को अपनी इनकम में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में दिखाना होता है और जो उसकी टैक्स लैब होती है उसके अकॉर्डिंग उसको उसके ऊपर टैक्स पे करना होता है इसके बाद हम आते हैं एम्प्लॉ डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम 1976। सेवनटी सिक्स एम्प्लॉ डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम नाइन्टीन सेवनटी सिक्स इज़ ए इंश्योरेंस स्कीम विच प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द एम्प्लॉयज़ एम्प्लॉयज़ की मृत्यु की स्थिति में उसके परिवार वालों को इस स्कीम के तहत इंश्योरेंस का अमाउंट मिलता है इस स्कीम को प्राप्त करने के लिए एम्प्लॉय से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं लिया जाता है. जो भी कंट्रीब्यूशन होता है वो एम्प्लॉयर पे करता है एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूशन वो पे करता है वो वेजेस का 0.5 परसेंट होता है जो कि अधिकतम 15000 तक मासिक वेतन का 0.5 परसेंट पचहत्तर रुपये प्रति माह हो सकता है एक इंश्योरेंस से संबंधित जो मुख्य बात है कि हर कर्मचारी को अपना नॉमिनेशन करना चाहिए ताकि उसकी मृत्यु की स्थिति में उसके इंश्योरेंस का अमाउंट प्राप्त करने के लिए उसके फैमिली मेंबर्स को कोई कठिनाई ना हो एक फॉर्म टू भर के एम्प्लॉ अपना नॉमिनेशन कर सकता है यदि कोई व्यक्ति बैचलर है और फैमिली है तो वो अपनी फैमिली मेंबर्स को उसके अंदर नॉमिनेट कर सकता है यदि कोई व्यक्ति बैचलर है तो फैमिली नहीं है तो वो किसी भी पर्सन को नॉमिनेट कर सकता है यदि एक व्यक्ति मैरिड है तो वो अपनी फैमिली मेम्बर्स स्पाउस बेटा बेटी को नॉमिनेट कर सकता है इस संबंध में एक ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि कोई व्यक्ति बैचलर है और उसकी शादी हो जाती है तो बैचलर रहते हुए अगर यदि उसने कोई नॉमिनेशन किया है तो वो वैलि इनवैलिड हो जाता है उसे मैरिज के उपरांत दोबारा नॉमिनेशन करना होता है इसके अंदर जो इंश्योरेंस कवर होता है वो सेवन लाख का होता है जिसको हम दो पार्ट में बांट सकते हैं पाँच लाख पच्चीस हजार एवं एक लाख पचहत्तर हजार रुपये पांच लाख इसकी कैलकुलेशन के लिए इसकी कैलकुलेशन इस प्रकार होती है कि आप दे सकते हैं स्लाइड में कि पंद्रह हजार जो कि मासिक वेतन होता है मैक्सिमम प्रस्क्राइब लिमिट है उसका मल्टीप्लाई बाय थर्टी फाइव प्लस बोनस अमाउंट एक लाख पचहत्तर हज़ार रुपये जो कि मैक्सिमम सात लाख तक हो सकता है अब इसमें एक लाख पिचहत्तर हज़ार जो बोनस अमाउंट है वो किस तरह मिलता है वो किसी भी एम्प्लॉय जो कि हमने पहले बात की है ई एक्ट नाइन्टीन उसके अंदर जो एम्प्लॉई का लास्ट ट्वेल्व मंथ डेथ से पहले बारह साल का जो महीने की अवधि का एवरेज बैलेंस होता है उसका फिफ्टी परसेंट बोनस के रूप में दिया जाता है किसी भी एम्प्लॉय की मृत्यु के उपरांत उसके परिवार वालों को निम्नलिखित दस्तावेज सबमिट करने होते हैं ताकि उन्हें इंश्योरेंस क्लेम प्राप्त हो सके फॉर्म फाइव इफ़ डेथ सर्टिफिकेट ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन succession certificate in case the legal heir files the claim guardianship certificate if the claim is filed on behalf of a minor by a person other than natural guardian copy of cancelled check इसके बाद हम आते हैं ईपीएफओ की थर्ड स्कीम ईपीएस 95 ईपीएस 95 सोलह नवंबर उन्नीस को लागू किया गया इससे पहले पेंशन स्कीम 1971 थी जिसमें कुछ बदलाव करने के उपरांत ई 95 स्कीम को लागू किया गया ई 95 के अंदर जैसा कि पहले बताया गया था कि एम्प्लॉयर अपना 12% परसेंट कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉ के पीएफ अकाउंट में देता है उस 12% परसेंट में से 8.33% परसेंट एम्प्लॉयर के पेंशन अकाउंट में चला जाता है एवं 3.67 पॉइंट परसेंट एम्प्लॉय के पीएफ अकाउंट में रह जाता है पेंशन एम्प्लॉ को 58 जो इस एक्ट में प्रस्क्राइब रिटायरमेंट एज है वो क्रॉस करने के बाद पेंशन मिलती है पेंशन प्राप्त करने के लिए कम से कम 10 साल की सर्विस अनिवार्य है यदि कोई व्यक्ति 10 साल से कम सर्विस देने के से पहले रिटायर हो जाता है या 58 इयर्स ईयर्स की एज प्राप्त कर लेता है उस स्थिति में एम्प्लॉ को एक लमसम विड्रॉवल टेन सी फॉर्म भर के मिलता है 58 ईयर कंप्लीट होने पे एम्प्लॉ को टेन डी फॉर्म भरना होता है जिससे उसे पेंशन स्टार्ट होती है इन केस ऑफ डेथ मेंबर के विडो और बच्चों को पेंशन मिलती है ई पी एस ट्वेंटी फाइव के संबंध में एक इम्पॉर्टेंट गजट नोटिफिकेशन बाईस अगस्त दो हजार चौदह को पब्लिश हुई जिसके जो मुख्य पॉइंट थे वो इस प्रकार है दिस स्कीम रिस्ट्रिक्ट फॉर न्यू एंट्रेंस इस स्कीम यह स्कीम न्यू एंट्रेंस जिनकी पंद्रह हजार से ज़्यादा का वेतन है उनके लिए खत्म कर दी गई वो एम्प्लॉज जो पंद्रह हज़ार से कम वेतन पा रहे हैं उनके लिए ये स्कीम मैंडेट्री है लेकिन पंद्रह हज़ार से ज़्यादा प्राप्त करने वाले वेतन प्राप्त करने वाले एम्प्लॉयों के लिए ये स्कीम ऑप्शनल नहीं रही इस नोटिफिकेशन में वेजेस सीलिंग पैंसठ सौ से बढ़ा के पंद्रह हज़ार कर दी गई इस स्कीम के अंदर फॉर कैलकुलेशन ऑफ पेंशनेबल सैलरी एवरेज ऑफ ट्वेल्व मंथ रिप्लेस विद एवरेज ऑफ़ सिक्सटी मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिटायरमेंट द सिक्सटी मंथ एवरेज विल भी प्रो डाटा बेसिस दैट इज बिफोर और आफ्टर फर्स्ट सितम्बर टू थाउजेंड फोर्टीन फॉर रि इमोल्यूमेंट्स रुपीज़ पैंसठ सौ एंड रुपीस फिफ्टीन थाउजेंड मेम्बर इज रिक्वायर टू कंट्रीब्यूट वन पॉइंट वन सिक्स परसेंट ऑफ इमोल्यूमेंट ओवर एंड अबव रुपीज फिफ्टीन थाउजेंड विच वाज अर्लियर कंट्रीब्यूटेड बाई गमेंट इस स्कीम जो एक महत्वपूर्ण बदलाव किया गया ये स्कीम में एक ज्वाइंट ऑप्शन होता है जिसमें एम्प्लॉई अपने हायर वेजेस पे कंट्रीब्यूशन देने के लिए रजामंदी एम्प्लॉयर के साथ दे सकता है लेकिन इस नोटिफिक नोटिफिकेशन के द्वारा उस ऑप्शन को बंद कर दिया गया जिसके इस नोटिफिकेशन के बाद कई हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट्स में केस चले जैसा कि आप देख सकते हैं राजस्थान कोर्ट दिल्ली हाई कोर्ट केरला कोर्ट में अलग अलग केसेस चले जो बाद में सुप्रीम कोर्ट में भी जिनमें केस चले सुप्रीम कोर्ट का जो लेटेस्ट जजमेंट इस संबंध में आया वो 4 नवंबर 2022 को आया जिस जजमेंट में ये कहा गया कि जो 2014 की नोटिफिकेशन है वो वैलिड है और लीगल है उसमें कंटेंट सारे लीगल हैं इस जजमेंट uh, में सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल पावर अपनी एक्सरसाइज करते हुए जो ज्वाइंट ऑप्शन नोटिफिकेशन में बंद कर दिया गया था उसे चार महीने के लिए ओपन किया है जो कि थर्ड बार 2023 तक है इस जजमेंट में इम्प्लाई ऑफ एग्जेम्प्टेड एंड अनएग्जेम्प्टेड इस्टेब्लिशमेंट कैप्ट एट पार इम्प्लॉ हु रिटायर बिफोर फर्स्ट सितंबर 2014 विल गवर्न बाय द रूल एप्लीकेबल ऑन और आफ्टर थर्टी फर्स्ट अगस्त दो हज़ार चौदह एंड एम्प्लॉज हु रिटायर ऑन और आफ्टर फर्स्ट सितंबर दो हज़ार चौदह विल गवन बाय द रूल एप्लीकेबल ऑन और आफ्टर फर्स्ट सितंबर दो हजार चौदह इस नोटिफिकेशन का प्रभाव ये हुआ कि आप स्लाइड में देख सकते हैं कि यदि एक एम्प्लॉ एक जनवरी उन्नीस सौ छियानवे को करता है और 31 दिसंबर 2020 को रिटायर हो जाता है या 58 एट ईयर्स की एज प्राप्त कर लेता है तो इस नोटिफिकेशन से पहले उसकी जो पेंशन बनती वो पंद्रह हज़ार जो कि मैक्सिमल पेंशनेबल सैलरी है इनटू ट्वेंटी सेवन डिवाइडेड बाई सेवेंटी इजिकल टू फाइव सेवन एट सिक्स बनती अब उसने पच्चीस साल की सर्विस दी है बट आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सत्ताईस साल की सर्विस क्यों ली गई क्योंकि इसमें टू ईयर बोनस सर्विस का प्रोविज़न है और अगर इस नोटिफिकेशन के बाद हम देखें तो फोर्टी फाइव एंड पंद्रह जो उसकी सर्विस का रेशो है एक सितंबर दो हज़ार चौदह और एक सितंबर दो हज़ार चौदह के बाद पैंसठ सौ और पंद्रह हज़ार मल्टीप्लाई करके जो पेंशनेबल सैलरी आती है वो एट सिक्स फाइव थ्री आती है तो एट सिक्स फाइव थ्री इंटू ट्वेंटी सेवन डिवाइड बाई सत्तर तो ट्रिपल थ्री एट उसकी पेंशन बनती तो आप देख सकते हैं इस नोटिफिकेशन का पेंशन पे कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ा ई ने अपनी इन सभी सर्विसेज को लेने के लिए एम्प्लॉइज़ को एक पोर्टल की व्यवस्था की है जो यूनिफाइड मेंबर पोर्टल है इस पर एम्प्लॉय जाके अपना यू एन लॉगिन करके यू यूनिवर्सल अकाउंट नंबर के थ्रू लॉग करके अपना प्रोफाइल सर्विस हिस्ट्री यूएन कार्ड पासबुक देख सकता है साथ ही वो बेसिक डिटेल कॉन्टैक्ट डिटेल के वाई ई नॉमिनेशन एवं मार्क मार्क एग्जिट अपने आप को कर सकता है तथा ऑनलाइन फॉर्म इकतीस उन्नीस टेन सी टेन डी भी भर सकता है ये ई पोर्टल है जिसपे आप यू के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं ई ने डिफरेंट फॉर्म जो प्रिस्क्राइब किए हैं वो इस प्रकार हैं फॉर्म टू नॉमिनेशन एंड डिक्लेरेशन फॉर्म फॉर्म इलेवन डिकलेन ऑफ एन एम्प्लॉई फॉर बोथ प्रोविडेंट फंड एंड पेंशन स्कीम फॉर्म 13, फॉर्म दिस फॉर्म रिक्वायर्ड व्हेन यू वांट टू ट्रांसफर योर ईपीएफ अकाउंट फ्रॉम वन एम्प्लायर टू अनदर फॉर्म टेन सी फॉर पेंशन विदड्रावल अमाउंट फॉर्म टेन डी इट्स अ फाइफ एफ फॉर टेकिंग इंश्योरेंस क्लेम एंड फॉर्म इकत्तीस पार्शल प्रोविडेंट फंड इसी के साथ दोस्तों मैं आपसे कहूँगा कि आप